डिप्रेस स्टूडेंट के लिए मैं कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, अकोला, पुणे यहां प्रैक्टिस करता हूं। स्टूडेंट के ऊपर आजकल बहुत प्रेशर है और डिमांड्स बहुत ज्यादा है माँ बाप की। बहुत बड़े बड़े मार्क्स के गोल रहते कि इतने मार्क्स मुझे मिलना चाहिए। मार्क्सवादी बन गए लोग। अभी एक स्टूडेंट था, उसने हमारे पहचान के थे, उन्होंने 92% मार्क्स का गोल बनाया था कि मुझे 92% मिलेंगे और मैं मेडिकल में जाऊंगा और टॉप मेडिकल कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलेगी, और उसको मिले 92 के बदले 84 और उसने सुसाइड कर लिया। एक दूसरा लड़का है, और अभी जो प्रॉब्लम आ रहे वो हिसाब से मैं भी बोल रहा हूँ, वो रिलेशनशिप में बोल रहा हूँ कि भाई वो एक लड़की के चक्कर में आ गया, रिलेशनशिप में आ गया। रिलेशनशिप में अच्छा चल रहा था साल भर, लड़का कुछ नहीं ज्यादा 19 साल का था, और कुछ तो भी हुआ, अनबन हो गई लड़की के ऊपर, उसने शक किया, उसने उसको ठुकरा दिया। लड़की ने नहीं बोला कि अभी ऐसा तू करेगा तो मैं बात नहीं करूंगी, उसने उसको ब्लॉक कर दिया। वो इतना डिप्रेस हो गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। लड़कों को काफी डिप्रेशन आ रहा है, लड़के मतलब लड़कियां भी इसमें है, ऐसा नहीं कि लड़की है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी बच्चे फेस कर रहे हैं। देखो, मुझे बच्चों को ये बताने का है कि एंजियोप्लास्टी करने, नो भाई, 20 साल का लड़का, उसकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। मतलब हार्ट अटैक पहले ऐसा बोला जाता था कि नहीं भाई 45-50 साल के बाद में अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, अभी तो मतलब 20 साल के बच्चों को अटैक आ रहा है और एंजियोप्लास्टी करनी पड़ रही है, सुसाइड्स कर रहे हैं, और नहीं तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। डिप्रेशन, कितने सारे बच्चे डिप्रेशन से मेरे पास में, डिप्रेशन है करके मेरे पास में लाते हैं कि उनको कोई भी दवा दो कोई काम में नहीं आता है, काउंसिलिंग करो कुछ भी नहीं, आखिर उनको शॉक ट्रीटमेंट देनी पड़ती है क्योंकि बार बार वो सुसाइड करने की कोशिश करते रहते। तो इसमें मुझे ये बताना है बच्चों को कि भाई देखो, जिंदगी ऐसी है कि अभी लाइफ बहुत फास्ट चल रही है, काफी सारे प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं, एक के पीछे एक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्या हम ये प्रॉब्लम से डरना है? क्या हम प्रॉब्लम से भाग के जाना है? क्या हम प्रॉब्लम से करके डिप्रेस होना है या सुसाइड करना है या हार्ट के ऊपर असर कर लेना है? प्रॉब्लम्स आपके ऊपर जिंदगी फेंकेगी, ये लाइफ आपके ऊपर प्रॉब्लम्स फेंकेगी। अभी आप उसको प्रॉब्लम बोलते हैं कि चैलेंज बोलते हैं, ये आपका परसेप्शन आप कैसा तैयार करते उसके ऊपर है। हर प्रॉब्लम आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि ठीक है, मैं यहाँ तो एक तो जीत जाऊंगा या सीख जाऊंगा, या तो मैं जीतता हूं या सीखता हूं, जो भी प्रॉब्लम है मेरे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, मुझे यहां से क्या सीखना है, क्योंकि लाइफ में अभी इसके बाद में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने वाले। 50 साल पहले ऐसी बात नहीं थी, 50 साल पहले सब लोग साथ में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली थी, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले काफी लोग थे, चाचा के लड़के, चाचा मामा, ऐसे सब काफी। अभी तो क्या हो गया, अभी न्यूक्लियर फैमिली है, माँ बाप अपने अपने काम में बिजी है, बच्चे अपने काम में बिजी है, लड़के लड़कियां तो मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अभी होना और रहना ये मतलब फैशन है। यदि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो बोलते भाई बहुत मतलब पिछड़ा हो गया लड़का कि भाई उसको गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ऐसे इसमें काफी सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हाथ में पैसा रुकता ही नहीं है लोगों को, पैसा मिलता है सब ईएमआई में चले जाता है क्योंकि बहुत सारे खर्चे लोगों ने लगा के रखे हैं। तो इसमें लाइफ आपके ऊपर प्रॉब्लम फेंकते जाएगी। तो अभी एक इवेंट्स मतलब कोई भी एक इवेंट होता है, उसमें वो इवेंट से मैंने डर जाना, वो इवेंट से मैंने भाग जाना, या वो इवेंट का सामना करना या उसको रिएक्ट करना। अभी ये मेरे हाथ में, इवेंट आ गया तो उसका मैं सामना करूंगा, ऐसा अपने मन में पक्का करना चाहिए। लाइफ में आप फेल नहीं हुए, वो इवेंट में, वो सिचुएशन में आप फेल हुए हैं, आप फेलियर नहीं हो, वो इवेंट में आप फेल हो गए। तो ये आप यदि दिमाग में रखते हैं और हर अपॉर्चुनिटी को सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, हर प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी समझ के कि भाई वो प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी है और वह अपॉर्चुनिटी का सामना मैं कर रहा हूं या वो चैलेंज है उसका मैं सामना कर रहा हूं, वहां से उसको देखते हैं, देखो जिंदगी में मजा आएगी, जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से आप जियोगे और जिंदगी में मन शांति, सुखी और बहुत जोशीला जीवन आप जी सकेंगे। भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सुसाइड, डिप्रेशन, हार्ट अटैक्स, यहां से डेफिनेटली आप बच पाओगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सभी माँ बाप को वीडियो शेयर करो, क्योंकि वो प्रेशर डाल रहे बच्चों के ऊपर मार्क्स के लिए, मार्क्सवादी बना रहे, और उसे बच्चे अपने ऊपर जो प्रेशर ले रहे अभी के जो अभी जो फास्ट लाइफ चल रहा है उसके लिए, तो बच्चों को भी शेयर करो, तो फिर लोगों को प्रिवेंशन करने में सहायता होगी। थैंक यू वेरी मच।